बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल बज़्मे नय्यर और मैं हूं मुजम्मिल मुस्तफाई। बज़्मे नय्यर चैनल दोस्तों तक औलियाए कराम की विलादत, तलीम व तरबियत, बैयत, खिलाफत, तबलीग, करामात, मामूलात पहुंचाता है। बुजुर्गान के फजूस से मुस्तफीद होने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल बज़्मे नय्यर को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली तमाम नई वीडियोस आप तक बार वक्त पहुंच सकें। आज जिस शख्सियत का जिक्र करना है वो शख्सियत किबलाए वाला शान शेखुल हदीस व तफसीर पीर तरीकत राहबर शरीयत हजरत अलामा मौलाना अल्लाह बख्श नय्यर, उनके मुतल्लिक उनके मुर्शिद हजरत बारू करीम ने उन्हें क्या फरमाया था। 1976 शेखुल हदीस व तफसीर फकीहुल असर सूफी मोहम्मद हामिद अली लैया वाले की वफात होती है। मुर्शिद अजीम हजरत बारू करीम को बहुत सदमा हुआ। उसके बाद हजरत बारू करीम ने दो अजीम शख्सियात को अपने पास बुलाया, उनमें सरताजुल फुकहा मुफ्ती गुलाम हसन बारवी और हजूर किबला नय्यर मिल्लत अलामा अल्लाह बख्श नय्यर को बुलाया और फरमाया आप दोनों में से कोई एक मेरा जनाजा पढ़ा देगा। दोनों शख्सियात रोने लगे, हजूर ये कैसी बातें करते हैं। फरमाया आप मेरी निगाहें आप दोनों में से हैं। मुफ्ती गुलाम हसन ने अपना हक हजूर किबला नय्यर मिल्लत को दे दिया। 1979 में मुर्शिद करीम का विसाल कुर्बलाल होता है, हर कोई गम से निठाल था। हजूर किबला नय्यर मिल्लत अपने मुर्शिद के फिराक में बहुत रोए बहुत रोए। अब आस्ताने आलिया पीर बारू शरीफ पर झमघटा है, लोगों ने शेखुल हदीस व तफसीर मौलाना मोहम्मद शरीफ रिजवी साहब को फोन कर दिया है कि आप तशरीफ लाइए, जनाजा आपने पढ़ाना है। उन्होंने आकर हजूर किबला ख्वाजा खाजगन ख्वाजा फकीर मोहम्मद साहब से अर्ज की, मुझे यूं ही फोन किया है। ख्वाजा साहब किबला ने हजूर किबला नय्यर मिल्लत से फरमाया कि शेखुल हदीस व तफसीर हमारी अहले सुन्नत का फख्र है, हमारे सुन्नत का नाज है। वो इस घर से आए हैं कि जनाजा पढ़ा सके, वो हमारे पीर भाई भी नहीं हैं, वो नाराज भी हो सकते हैं, आपका क्या ख्याल है। हजूर किबला नय्यर मिल्लत ने फरमाया था कि मेरा मुर्शिद की नजरों में जो मकाम था वो सब पर आया है, सब पर वाज़े है। जनाजा आगे खड़े होकर भी पढ़ना है, जनाजा पीछे खड़े होकर भी पढ़ना है, मुझे इस पर कोई इतराज नहीं है, मुर्शिद ने मुझे बहुत नवाज दिया है। यूं ये मामला खत्म हुआ और पीर तरीकत राबर शरीयत गौसे जमान कुतबे दौरान हजूर किबला मुर्शिद करीम बारू करीम का जनाजा शेखुल हदीस व तफसीर मौलाना मोहम्मद शरीफ रिजवी साहब ने पढ़ाया। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो बज़्मे नय्यर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें।